माझ्याच काढतो का फुटेज हा माझ्याच फुटेज काढतो नको चल वेलकम टू दी अनदर ब्लॉग। तो अभी हम सुबह कॉलेज पहुँच चुके हैं, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल सब कुछ हो गए, अभी हम घर जा रहे हैं। एंड मैं सुबह से ब्लॉग ही नहीं कर पाया क्योंकि बहुत मतलब भाग रहा था। एक बार बताता हूँ कहानी में दो मिनट के। सुबह मैं उठा 5:30 बजे और एक्सरसाइज को नहीं गया क्योंकि अरे रुक जाओ, एक्सरसाइज नहीं गया क्योंकि मैं 5:30 बजे उठा था, रोज़ 4:30 बजे उठता हूँ। फिर 5:30 से 6:30 बजे तक अपलोडिंग, थोड़ा थंबनेल वीडियो बना के मैं रेडी वेडी होके बेड पे बैठा था। 7:45 आठ को प्रैक्टिकल रहते हैं और मुझे मैसेज आया फ्रेंड का, उसने बोला आज प्रैक्टिकल है। तो हम वहाँ से उठ के 15 मिनट में यहाँ पर पहुँचा, 8:05 को पहुँच गया था, मतलब 20 मिनट में यहाँ पहुँचा रेडी वेडी होके 7 किलोमीटर से यहाँ तक। तो उसके बाद प्रैक्टिकल किया, अभी काफी करके घर जा रहे, घर जाएंगे, चलते हैं। बहुत बार ऐसी जैसे भागने में होंगे एंड प्रैक्टिकल भी। एंड प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हुआ, हमारा जो वो था ना, जो इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जो बैटरी थी वो ख़राब थी। सर बोल रहे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, दूसरों का कैलकुलेशन लेके सब, मतलब दूसरों का मेजरमेंट लेके हमने सारा कैलकुलेशन करके प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल सब कुछ खत्म करके अभी हम घर जा रहे हैं। और एक 1:30 एक मिनट बोला मैंने, कुछ नहीं चलता देखा पूरे लोग, कुछ नहीं होता। मुझे याद आया कि मैं जो मेरी किचन है ना, मतलब चाबी, वो मैंने कल अपने बाइक के किचन को लगाई थी एंड पापा मम्मी वो बाइक लेके गए, पर मेरी मम्मी ने उसमें से वो चाबी निकाल के यहाँ पे रखी थी नीचे, मतलब साइड में रखी थी। अच्छा हुआ वरना हमारे गांव को यहाँ से एक भी रिक्शा नहीं जाती, मतलब ज़्यादातर आधा एक घंटे में कभी तो एक जाएंगे। मेरा हाल बुरा था क्योंकि अभी तक खाना भी नहीं, सब कुछ घर में रहता है, समझ रहे हो आप। तो अभी खाना वाना खाते हैं, रेडी वेडी होते हैं एंड फिर पढ़ाई को बैठते हैं। आज मेरे को पढ़ाई करनी थी सच में, तो बहुत कुछ राइटिंग वर्क बच्चा है तो अभी करते चलो। एंड यार कल का फॉर्म वाला वीडियो ज़रूर देखना, बहुत अच्छा बनाया मैंने, बहुत मेहनत है उसमें, 3-4 घंटे तो एडिटिंग ही किया, थंबनेल तो 4-5 बार अलग अलग बनाया, ज़रूर देखना। रेडी वेडी होके ट्यूशन के लिए निकल चुके हैं एंड मैं सुबह से ब्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि मैं घर आया एंड बस पढ़ाई की, बाकी कुछ भी नहीं किया। एक आध घंटा रेस्ट लेके अभी ट्यूशन जा रहे हैं, 12th है, कभी कभी ब्लॉग छोटा हो।
जाता है। आज का व्लॉग छोटा हो जाएगा, मुझे पता नहीं कितने मिनट का, पर आज का व्लॉग इज छोटा मोटा। तो कल का व्लॉग बहुत अच्छा था, पाम का ज़रूर देखना, ऊपर ही लगाया उसका बैनर अच्छा था। तो अभी ट्यूशन जाते, ट्यूशन में पढ़ाई करते, मतलब 2 घंटे ट्यूशन में चलते। सॉरी, आज का व्लॉग छोटा है। सुबह से क्या क्या हुआ बता देता हूँ मैं। सुबह में मतलब मेरे आपको क्या सीखने मिलेगा, कभी भी ना 4-5 जन से पूछो कल कॉलेज है क्या नहीं। मुझे लगा कल कॉलेज नहीं है एंड मैंने फ्रेंड को भी बता दिया, उसलिए वो भी नहीं आया। तो मैं उसका मेरे ऊपर विश्वास था, तो 5-6 जन को पूछते जाओ पहले कि यार कॉलेज है क्या नहीं, वरना आप भी मेरे जैसे, मेरे फ्रेंड की जैसे ये हो जाओगे। मैं बस 10 मिनट में रेडी होके कॉलेज गया था एंड फिर कॉलेज वॉलेज करके घर आके पढ़ाई करके अभी ट्यूशन जा रहा। ये सीखने मिला आपको। फॉर्चुनर किन्ना सवाल कर दिए मन पूछदा नहीं। आज तो गाना नहीं आता। तो अभी हम ट्यूशन से घर जा रहे, घर जाएंगे, खाना वाना खाएंगे, रेडी वेडी होएंगे एंड उसके बाद थोड़ी पढ़ाई करके एडिटिंग करके सो जाएंगे। भाई सभी लोग मुझे देख रहे एंड आज हमारे पास बाइक नहीं थी तो इसलिए फ्रेंड ने आसरा तक छोड़ा, मतलब आधे रास्ते तक जहाँ पे रिक्शा मिलती है एंड उसका नाम है चंद्रशेखर, कुछ तो ऐसा ही नाम है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय, सी यू टुमारो। आज का व्लॉग छोटा सा ही मुझे बताए। जैसे ही घर पहुंचा, घर से फिर से मैं वो स्टिकर लेने गया था खेत में, फार्म में लगता है एंड मुझे ये बताना था कि यार जिसने मतलब वो फार्म का वीडियो नहीं देखा ना, फार्म एंड आईफोन ऐसा कुछ, तो तुमने ले जाके ज़रूर देखना। सी यू, गुड नाइट, बाय बाय, तीसरी बार है। स्टिकर जो है ना वो फार्म में यूज़ होता है।